तेलंगाना के गेटवे कहे जाने वाले आदिलाबाद में आया हूं। ये महाराष्ट्र से अगर तेलंगाना में एंट्री होती है ना तो आदिलाबाद से ही होती है। अब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, कमल खिल चुका है, कमल की एंट्री अगर तेलंगाना में करनी है तो आदिलाबाद से ही हो सकती है। मेरे साथ और तीन प्रत्याशी है, सिरपुर के श्रीनिवास जी है, आसिफाबाद के आत्माराम नायक जी है, ये हमारे छह के छह प्रत्याशी आज आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं। यहाँ आज जब मैं आदिलाबाद की जनता के सामने खड़ा हूं, मैं कोमरम भीम को याद करना चाहता हूं जिन्होंने रजाकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मित्रों, आप मुझे बताओ, ये राहुल बाबा इधर इधर घूम रहे हैं, वो MIM से आपको मुक्ति दिला सकते हैं क्या? अरे मुक्ति दुलाना छोड़ो, ओवैसी से डरकर हैदराबाद विमोचन दिन मनाना बंद कर दिया, बंद कर दिया। मैं आपको वचन देने आया हूं, एक बार यहां कमल खिला दीजिए, तेलंगाना के हर घर में गर्व के साथ, हर गांव में गर्व के साथ हैदराबाद विमोचन दिन मनाया जाएगा। अगर कोमरम भीम जैसे लोगों ने ये लड़ाई न लड़ी होती तो आज आदिलाबाद में आने के लिए मुझे पासपोर्ट चाहिए होता, पासपोर्ट चाहिए। इन्होंने वादा किया था यहाँ पर हवाई पट्टी बनाएंगे, 350 एकड़ जमीन और 300 करोड़ खर्च करेंगे। क्या हुआ KCR? जरा आदिलाबाद वाले पूते बताओ भाई। 18 नए तालाब बनाने की बात की थी, तालाब तो छोड़ो, मिट्टी खोदना भी शुरू नहीं हुआ। एक नया टाउन हॉल बनाने के लिए वादा कर गए थे गत चुनाव में, इस बार TRS के जो KCR के जो प्रत्याशी है, TRS के प्रत्याशी है, उनको आदिलाबाद वालों ने पूछना चाहिए हमारा टाउन हॉल कहाँ गया भाई। कई लोगों को दो बेडरूम का घर देने का वादा किया था, दो बेडरूम छोड़िए, मोदी जी ने भेजा हुआ प्रधानमंत्री आवास भी नहीं पहुंचा। मित्रों, इन्होंने वादा किया था आदिवासी भाइयों के लिए 80 करोड़ रुपया खर्चेंगे, 80 करोड़ छोड़ो, 8 करोड़ का भी हिसाब है तो दिखा दो चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की जनता को मोदी जी की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है, उनको डर है कि अगर मोदी जी की योजनाएं आई तो यहाँ मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। मित्रों, पास में ही महाराष्ट्र है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तेलंगाना में कितने लोगों को मिला? शून्य लोगों को मिला, शून्य लोगों को, एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। और महाराष्ट्र में भाजपा सरकार है, 1,18,396 लोगों को गरीबों के आवास देने का काम समाप्त हो चुका है। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत मेरे आदिवासी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मिलता है। ऑपरेशन कराओ, हॉस्पिटल में जाओ, ऑपरेशन के बाद के हॉस्पिटल में जाओ, हर जगह पे एक खर्चा भारत सरकार देती है। यहाँ पर तेलंगाना में योजना को स्वीकार नहीं किया गया है। एक और तेलंगाना में किसी को फायदा नहीं मिला, इसके जिम्मेदार चंद्रशेखर राव है। और दूसरी ओर देश भर में 3.5 लाख लोगों को 5 लाख तक का इलाज सिर्फ 2 महीने के अंदर कर दिया गया है। एक KCR ने वायदा किया था उनको सत्ता मिलेगी तो दलित या आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ? वक्त आया तो आप खुद बैठ गए, कोई बात नहीं, अभी तो घोषणा करो कि अगली बार आप दलित और आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाओगे, नहीं करेंगे,
उनको तो अपने बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, बेटे बेटी को। अवैध घुसपैठियों को घुसने देने के लिए संसद के इनके सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं। टाइम्स नाउ चैनल ने उनका घोषणा पत्र लीक हो गया उसको बताया। घोषणा पत्र में कहा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट माइनॉरिटी को मिले इसके लिए हम रिजर्वेशन लाए। आ गया रख ले लो, उर्दू टीचर का कोटा तय किया जाएगा। अगर आपको उर्दू नहीं आती है आप तेलंगाना में टीचर नहीं बन सकते। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।